इसको सही से बोला जाए, देखा जाए तो क्या बोलते हैं इसको, आइसोलेटर समझ लो। एक्चुअल में इमरजेंसी ऑन ऑफ करने का ऑप्शन तो वो है ही है अपर कंट्रोल बॉक्स में और ग्राउंड कंट्रोल बॉक्स में, जिसमें से जो मेन होता है वो होता है ग्राउंड कंट्रोल बॉक्स की इमरजेंसी स्विच। अगर आप ऊपर चले गए, ऊपर ऑन कर दिया, सब कुछ कर दिया, तब भी पावर की नहीं जाती जब तक ग्राउंड की इमरजेंसी स्विच ना ऑन हो, ठीक है। तो जो दोनों इमरजेंसीज को पावर देने के लिए कॉमन इमरजेंसी स्विच है वो है ग्राउंड वाली ना, लेकिन उसके बाद भी ये चीज क्यों दिया गया, क्योंकि ये क्या आइसोलेट है, समझ लो बैटरियों को ये आइसोलेटर। ध्यान से सुनो, अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था, तो जिसको कोरोना हो जाता था उसको क्या करते थे, अलग रख देते थे ना आइसोलेशन वार्ड में ना। तो ये अगर ना लगा हो तो बैटरी आइसोलेशन मूड में नहीं होती है, कैसे, क्योंकि कनेक्शन सबके है ना हर जगह, यही से कनेक्शन देखो जुड़ा, ये गया हर जगह गया है ना, हर जगह का गया है, तो तुम्हारी इमरजेंसी तो आप है लेकिन आइसोलेट नहीं है, क्योंकि जहाँ तक जो इसकी तारें फैली हुई है वहाँ तक पावर इसकी जा रही है, धारा प्रवाह जो भी, हाँ धारा पारा जो भी हिंदी में बोलते हैं प्रवाहित हो रही है। बहुत बढ़िया बोल रहा है भाई, अपनी अपनी भाषा में बोलो, अपनी अपनी भाषा में जानो, हमें देसी आदमी है, देसी सीखो, तुम्हें समझना है, तुम्हें आगे चल के अपनी भाषा में किसी को समझाना है या खुद काम करना है, जो किताबी कीड़ा नहीं है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, ठीक है। तो ये जो कटआउट लगाने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से अगर कटआउट बंद हो गया ना तो ये बैटरी आइसोलेट हो गई, सुरक्षित हो गई, अब इसके आगे बैटरी पावर जानी ना। अभी सर जैसे इसका ये काम हो गया कि रखना है मतलब 10 दिन 15 दिन इसको बंद कर दो बैटरी डाउन ना हो या हमेशा बंद रखो, 100% समझ में आया, सुबह इसको ऑन कर दिया तुमने, शाम को इसको बंद करना है, पूरे दिन जो है भले मत बंद करो, पूरे दिन नहीं बंद करना चाहिए, शाम को क्यों बंद करना है, क्योंकि बैटरी पूरे दिन मशीन ऑन करके चलाई जाती है, काम किया जाता है, शाम को घर जाते समय चार्ज में लगाई जाती है, चार्जिंग के लिए 8-10 घंटे चाहिए होते हैं मिनिमम, सबसे कम तो 6 घंटा चाहिए ही चाहिए हर मशीन का, तो उसको 8-10 घंटा, लेकिन बुक में लिखा है इसलिए तुम्हारी बुक का मैं बता दे रहा हूँ, 8-10 घंटा इसको चार्जिंग के लिए चाहिए। तो शाम को क्या होगा, तुम घर जाने लगोगे, तो चार्ज जब भी लगाना होगा इसको ऑफ करके लगाना है, नहीं तो क्या होता है चार्जर जल जाते हैं या बैटरियों में दिक्कत आ जाती है, स्वाइप वगैरह हो जाता है। कभी भी चार्ज लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपनी मशीन को चार्जिंग पॉइंट में या किनारे कहीं लगाओ, उसके बाद इसको ऑफ करो, फिर कपलर लगाओ, सुबह आओगे सबसे पहले कपलर निकालोगे, उसके बाद में ही जो है उसको ऑन करना है, समझ गए, आइसोलेशन मोड में बंद करो। इसका क्या नाम बताया सर? बैटरी चार्जर, ठीक है। पोर्थल गार्ड दिखा दो, ये है पोर्थल गार्ड, ये आपका पोर्थल गार्ड है, जो नीचे चला ये क्या होता है कि जैसे ही मशीन तुम्हारी हाइट पे जाती है ये ऐसे हो जाता है, सपोर्ट के लिए होता है, समझ लो सपोर्टिंग जैक टाइप का होता है, सपोर्ट के लिए होता है, अगर सरफेस बराबर नहीं है, मान लो व्हील्स के साथ सरफेस बराबर है, बीच में कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा है, तो ये अलर्ट कर देता है ना, ये उसमें अटक कर जाता है, तो क्या होता है कि ये देखो इसमें लगी हुई है क्या लिमिट स्विच, क्या बोलते हैं इसको, लिमिट स्विच, लिमिट स्विच क्या होती है, अलर्ट कर देती है फॉल्ट आने लगता है, उसमें लिख के पोर्थल गार्ड पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देता है। अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि पोर्थल गार्ड तुम्हारा उठा है लेकिन लिमिट स्विच नहीं दबी अगर, तो वो पोर्थल गार्ड फॉल्ट बताएगा, मशीन तुम्हारी ड्राइव नहीं होगी या ऊपर नीचे नहीं होगी, तो इस पे थोड़ा सा लात लूट मार लेते हैं, ये मिल स्विच ऐसे उंगली कर लेते हैं अपना, बनाना भी सिखा हिला डुला देते हैं, बंद करो आराम से।